Next one, what is the outcome of this code? First of all, सबसे पहले इसके साथ सोर्स कोड के अकॉर्डिंग आप सिंटैक्स चेक करोगे सॉल्व सिंटैक्स वैलिड और इनवैलिड. इस केस में रेंज क्या होगा? मे बी कंपाइल टाइम एरर, मे बी सम आउटपुट्स. मिस इस वीडियो को वॉच करने से पहले पहले आप इसको खुद से एक बार सॉल्व करोगे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहता है, उसके बाद मैं जो भी इसका रेट शो करूंगा उसको आप मैच कराओगे. जस्ट पहले मेरे वीडियो मींस वीडियो को वॉच करने से पहले पहले आपको एक बार खुद से सॉल्व करना चाहिए. चेक करते हैं इस केस में रेंज क्या होगा. फर्स्ट वन, इसके साथ टोटली टू टू टाइप्स के लूप्स वर्ड हैं, आउटर लूप एस और इनर लूप एस लूप वाइल. इसके साथ टू वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल आई जो कि आउटर ब्लॉक में पॉइंट के मींस इनसाइड मेन ब्लॉक, और वेरिएबल जे, जे का पॉइंट क्या है, इनसाइड इनर ब्लॉक मींस इनसाइड डू बॉडी ऑफ डू. किसी भी लोकल वेरिएबल्स का स्कोप क्या होगा, ओनली विद इन अ ब्लॉक मींस जिस ब्लॉक में पॉइंट किया फिर उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस करना पॉसिबल है. जैसे आई की बात करें तो आई आउटर ब्लॉक और मेन ब्लॉक में डिफाइन हुआ, इसलिए मेन ब्लॉक के अंदर कहीं भी एक्सेस करना पॉसिबल है. लेकिन जे का पॉइंट जो इनसाइड बॉडी ऑफ डू, इसलिए जे को ओनली विद इन दिस ब्लॉक एक्सेस करना पॉसिबल, आउटसाइड ब्लॉक एक्सेस करना पॉसिबल नहीं. लेकिन प्रैक्टिकली चेक करो इसके साथ जे एक्सेस कहां हो रहा है, यूज कहां हो रहा है, विद इन अ ब्लॉक और आउटसाइड ब्लॉक. मींस व्हाइल के केस में कंडीशन ब्लॉक का पार्ट है, आउटसाइड ब्लॉक आउटसाइड ब्लॉक, देयरफॉर कंपाइल टाइम एरर्स. मींस इस कोड के कंपाइल होने के चांसेस नहीं क्या आएगा इस केस में, कंपाइल टाइम एरर बिकॉज ऑफ वेरिएबल जे, जे इज एक्सिस्ट आउटसाइड बॉडी ऑफ डू.